नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार। इस वक्त की उन्नाव से बड़ी खबर आ रही, दिल दहला देने वाली घटना उन्नाव से आ रही है। लूट का कारोबार नहीं थम रहा है, पुलिस क्यों नाकाम साबित हो रही। लेकिन ये दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस लंगड़ा अभियान भी चालू किए हुए। सराफा कारोबारियों से हुई लाखों की लूट, असलहे के बल पर बदमाशों ने सोना व चांदी सहित नगद पैसा ले उड़ा ले गए। उन्नाव में उस समय हड़कंप मच गया जब सराफा व्यापारी से 10 लाख से अधिक की हुई लूट। दो बाइक सवार चार नकाबपोश लुटेरों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। स्कूटी सवार सराफा से तमंचे के बल पर की लूट। 7.5 किलोग्राम चांदी, 50 ग्राम सोना, 40,000 नकदी बताया जा रहा है सूत्रों से बड़ी खबर। घटना को अंजाम देकर लुटेरे मौके से हुए फरार। लूटकांड की घटना के बाद से मचा हड़कंप, पुलिस की टीमें लुटेरों की तलाश में जुटी। दोस्ती नगर स्थित फायर ट्रेनिंग सेंटर के पास की घटना बताई जा रही। उन्नाव से बड़ी खबर। जिलेशन सोनी, जिलेशन कहाँ जा रहे थे, कैसे क्या हुआ? हम ये पावा से आ रहे थे, उन्नाव आवाज का के लिए आ रहे थे, घर जा रहे थे राजेपुर। तो वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे जो है ये दोस्ती नगर क्रॉसिंग कर दिया। और इसके बाद जब यहाँ पे आए हैं ये सख्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड के पास, तो मोटरसाइकिल एक पहले से ही वहाँ पे खड़ी थी और उसने लूट मच किया है। कितने लोग थे वो लोग? वो चार लोग थे। क्या क्या ले गए, क्या क्या छीना आपने? 7.5-8 किलो चांदी ले गए हैं, 50 ग्राम सोना ले गए हैं और 40,000 रुपया नकद ले गए हैं और जो कापियां थी वो से ले गए हैं। कहाँ से थे उन लोग? वो लोग मोटरसाइकिल से थे, एक मोटरसाइकिल पहले से खड़ी थी और एक मोटरसाइकिल फिर आई थी। और कहाँ गए, किधर वाले गए? अब किस तरफ गए उन लोग? वो लोग जो है इधर को भागे थे, ये एक सिंधु भवन के सिंधु के गई है और एक और कहीं गई है, पूरा साइड गई है, उधर ही को गए थे। स्कूटी तो हमने किसको दी थी? अभी सूचना किसको दी थी वहाँ से? सूचना वहाँ से दरोगा जी थे, दरोगा जी थे, तो दरोगा जी जो है आए थे। क्या कार्रवाई चाहते हैं आगे? अब जब यह हमारा सामान मिल जाए और वो लोग पकड़े जाएं। देखिए ये विमल कुमार हैं, उनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि वो अपनी माखी से थाना क्षेत्र में उनकी एक दुकान है वो क्लोज करके यहाँ पे आ रहे थे। तो स्कूटी में रास्ते में दो बाइक से चार लड़के थे, उनके द्वारा बीच में बाइक रुकवा के और उनकी जो स्कूटी थी और उसमें रखे हुए जो उनकी ज्वेलरी थी वो उनसे वो लूट के लेके गए हैं। और इसमें जो उनके द्वारा तहरीर दी गई है उसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो घटना के अनावरण के लिए पुलिस की इसमें 5 टीमें लगाई गई हैं, शीघ्र ही पुलिस इसमें घटना का अनावरण करेगी। वो डिटेल्स बाद में आपसे शेयर करूंगा।